أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آراء 15 روب 2 سورة بني إسرائيل آية 49-97 تقع جمعاني ونحن سنقوم بالدهراء بسم الله الرحمن الرحيم آية 49 पर किया जा रहा है उन लोगों का जो बहुत हैरत से नबी सवाल करते थे क्या सवाल करते थे कि क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ और रेजा रेजा जब हमारी हड्डियाँ रेजा रेजा हो जाएंगी और हम गल सड़ जाएंगे तो क्या बेशक हम वाकई उठाए जाने वाले हैं नए सिरे से पैदा करके वो कहते थे कि ये जो तुम बात करते हो मरने के बाद दोबारा जी उठने की ये कैसे मुमकिन है उनके मुताबिक ये बात ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन्हें कह दीजिए हदीदा ख्वा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा बन जाओ या कोई ऐसी मखलूक बन जाओ जो, जो तुम्हें इनसे भी बड़ी मालूम होती है यानी पत्थर और लोहे से भी अगर तुम्हें कोई ज्यादा मजबूत या ज्यादा अजीब मखलूक मालूम होती है और तुम वो बन जाओ और फिर तुम बस अन वो कहेंगे कौन दोबारा लौटाएगा हमें फिर वो सवाल करें पूछें कि हमें दोबारा जिंदगी देने वाला कौन है तो आप कह दीजिए अल्लाह मर वो वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया वही जिसने तुम्हें पहली बार जिंदगी दी बस अन वो हिलाएंगे आपकी तरफ अपने सरों को यानी लाजवाब होकर अपने सरों को मटकाते हुए मान लेंगे कि अल्लाह ताला ही हमें मरने के बाद जिंदगी देगा तो मता हुआ नया सवाल ले आएंगे कि कब होगा वो ये वाक्य जो तुम कह रहे हो ये कब मुमकिन होगा तो आप इनको कह दीजिए आशाकूना करीबा हो सकता है कि वो घड़ी वो वो वक्त जब तुम्हारी शामत आएगी तो वो करीब ही हो वो वक्त ज्यादा दूर ना हो आयत नंबर आयोकू ना जिस दिन वो अल्लाह बुलाएगा तुम्हें तो तुम तामील करोगे यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जब क्या की घड़ी आ जाएगी और अल्लाह तला तमाम इंसानों को अपनी तरफ बुलाएंगे तो कब्रों में हम तुम्हारी हड्डियां और तुम्हारे जिस्मों के जो बिखरे जरात होंगे वो तमाम इकट्ठे होकर एक जिंदा इंसान का रूप धार लेंगे और सब अल्लाह ताला की हमद उसकी तारीफ के साथ उसकी तरफ दौड़ते हुए जाएंगे और तुम उस वक्त क्या गुमान करोगे कि तुम जिंदगी में बहुत थोड़ा सा वक्त ठहरे चंद घड़ियां तुमने सिर्फ वहां गुजारी और अब तुम्हें वापस बुलाया जा रहा है आयत नंबर फिफ्टी थ्री वक़ुल ईबाद ही यकुल्लती या अहसन बहुत खूबसूरत आयत और कह दीजिए मेरे बंदों से कि वो ऐसी बात कहें जो कि वो बहुत अच्छी हो हसने इखलाक से पेश आना ऐसी गुफ्तु करना जिससे दिल खुश हो जाए जिसमें तलखी ना हो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमल की बात है कि हम उन लोगों से भी अच्छे अखलाक से पेश आए जिन्होंने हमारे साथ कभी जुल्म कोई ज्यादी की हो या हमारे साथ कुछ बुरा किया हो अपनों के साथ और वो लोग जो आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ हु सुल से पेश आना बहुत आसान काम है आप एक्शन रिएक्शन की उस पर चल के आप आराम से उनके साथ उसने इखलाक से पेश आ सकते हैं लेकिन वो लोग जिन्होंने आपके साथ कभी कोई ज्यादती की हो कुछ बुरा किया हो उनके साथ उसने इखलाक से पेश आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें सबक लेना चाहिए आगे शैतान के टैक्टिक्स के बारे में जिक्र है इन न या बीना हूँ शैतान क्या करता है झगड़े डालता है दुश्मनियां डालता है तुम लोगों के दरमियान इन शैतान मुबीना बेशक शैतान है इंसान का खुला दुश्मन एक ऐसा दुश्मन है जो कि पता है जिसका वाजहे हमें इल्म है कि वो हमारे पे हमला कर रहा है लेकिन हम उसके हमले से बचाओ के तदाबीर नहीं अख्तियार कर रहे और हम उसके बहकावे में आए चले जा रहे हैं इस आयत को अपने जहन में रखना चाहिए कि शैतान खुला दुश्मन है और दुश्मन से बचने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए आयत नंबर बिकुम तुम्हारा रब खूब जानने वाला है तुम्हें तुम्हें अल्लाह ताला खूब जानने वाला है अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर वो चाहे तो वो अजाब दे तुम्हें अल्लाह तो ताला की रहमत से कोई इंसान अजाब से बच भी सकता है और अजाब से दो चार भी हो सकता है वह माँ और का आलिम वकीला और नहीं भेजा हमने आपको उन पर कोई जिम्मेदार हदायत को कबूल करना या उसको उसका इनकार करना हर इंसान का जतीी मामला है ये इंसान को पर्सनल चॉइस दी गई है कोई भी पैगाम पहुंचाने वाले कोई रसूल कोई नबी किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते या उसको जबरदस्ती इस्लाम पर नहीं ला सकते तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि आप उनका ईमान लाना आपके जिम्मे नहीं है आपके ज़िम्मे क्या है सिर्फ पैगाम पहुंचा देना आयत नंबर फिफ्टी फाइव वो रब का आलम माफी समावती वाल अर्थ और आपका रब खूब जानने वाला है उनको जो आसमानों और जमीन में है और बिलाशुबा यकीन हमने फजीलत दी बाज नबियों को बाज पर और हमने दी दाऊद को जबूर जिक्र किया जा रहा है फजीलत का जो अल्लाह ताला ने बाज नबियों को बाज पर दी है और साथ ही जिक्र किया गया बनी इसराइल के एक नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला ने उनको जलीलुल कदर किताब जबूर अता फरमाई आयत नंबर 56 कुल दुउ लदीन जाम तुम मिया दूनी ही कह दीजिए तुम बुलाओ उनको जिन्हें तुम समझते हो माबूद उसके अलावा यानी जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो जिनको अपना माबूद गुमान करते हो उनको पुकारो उनको पुकार कर देख लो फला यमलिकूना कशफ जुर्री बस नहीं वो इख्तियार रखते तुमसे तकलीफ दूर करने का और ना ही तुम्हारी हालत बदलने का यानी तकलीफ दूर करने की भी वो सकत नहीं रखते और ना उसे बदलने की सकत रखते हैं हालत भी वो बदल नहीं सकते यानी उनके इख्तियार में कुछ पी नहीं है आयत नंबर फिफ्टी सेवन उलाम वो लोग जिन्हें वो मुशरक पुकारते हैं यानी जिन्हें अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं ये लोग तो खुद तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला वसीला से के मायनी है कुर्बत, आ, करीब होने का जरिया ठीक है वो लोग वो जिस तरह कुछ मुश्किन वो अलिया अल्लाह को अल्लाह ताला के मुकरब बंदों को उसके साथ शरीक ठहराने लगते थे या कुछ फरिश्तों को तो इस आयत में कहा जा रहा है कि वो सब तो खुद अल्लाह ताला की रजा के लिए कोशा है अल्लाह ताला के कुर्ब के मुतलाशी हैं कौन है उनमें से ज्यादा करीब अल्लाह ताला के और वो उम्मीद रखते हैं उसकी रहमत की वो तो अल्लाह ताला से डरते हैं अल्लाह के अजाब से डरते हैं उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं बेशक तेरे रब का अजाब डरने की चीज है आयत नंबर फिफ्टी एट और नहीं है कोई बस्ती मगर हम हलाक करने वाले हैं उसे क्यामत के दिन से पहले यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है उस तबाही का जो क्यामत से पहले बर्पा होगी जैसा कि अहदीस में भी हमें अः पेशन गोई मिलती है एक बहुत बड़ी जंग की जो क्यामत से पहले वाक्य होगी और उससे जमीन पर कोई बस्ती महफूज नहीं रहेगी तमाम बस्तियां तबाह कर दी जाएंगी हलाक कर दी जाएंगी काबिल योमिल क्यामत यह वाक्य कब होगा क्यामत के दिन से पहले या अजाब देने वाले हैं उससे बहुत सख्त अजाब बस्तियों को एक दूसरे से अजाब पहुंचाया जाएगा फिल ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है यानी ये सब ये सब काम तयशुदा है एक वक्त मुन पर सब कुछ होकर रहेगा आयत नंबर 59 और नहीं रोका हमें इससे कि हम भेजे निशानियां मगर इस बात ने कि झुटलाया उनको पहले लोगों ने क्या मायने हुआ निशानियां जो नहीं भेजी जा रही अल्लाह तला ने मोजात दिखाना इसलिए बंद कर दिए कि सबका कौमू के लोग ऐसे मोजात देख कर भी नहीं मान लाते थे वो उनको झुटला देते थे कुफर पर डटे रहते थे जैसा कि साथ ही मिसाल दे दी गई हमने दी समूह को ऊंटनी वाज निशानी उनको बसीरत अफरोज मुआवजा दिखाया गया मगर उन्होंने आ, देख लेने के बाद भी इनकार किया हजरत सल पर ईमान ना लाए ऊंटनी को ही मार डाला उन्होंने किया उस पर क्या किया? कि उसको मार डाला और नहीं भेजते हम निशानियों को मगर डराने के लिए जो मुजराद भेजे जाते हैं दिखा निशानियां दिखाई जाती हैं लोगों को खबरदार करने के लिए होती हैं डराने के लिए होती हैं ताकि वो दोबारा लौट आए

से अहाता किया हुआ है तो ऐसी फजूल बहस में ये लोग पड़ जाते हैं वमा ja और नहीं बनाया हमने उस मंजर को जो हमने दिखाया आपको कौन सा मंजर मेराज का सफर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला लेकर गए और वहां अल्लाह ताला ने हजूर वाले वाले को मुशाहिदा मुशाहिदात कराए और जो निशानियां आपको दिखाई गई जब उनकी तफसील उन लोगों को बताई गई किन को कुफार मक्का को फितना फित्लनास ही तो वो उनके लिए क्या बन गई एक आजमाइश लोगों के लिए वो उनके लिए फितना बन गया वो इसकी बिना पर मुसलमानों से बहस करने लगी और कहने लगे कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है वो इस मौजू को उन्होंने इतना उछाला और बहसे बहस मुबाद बहस से शुरू कर दिए चुनाचे ये बात काफरों के लिए एक फितना और आजमाइश बन गई वह शजातलमलाउन तफिल कुरआन और उस दरख्त को जिस पर लान की गई कुरान में जब उन्हें जकूम के दरख्त के बारे में बताया गया कि जिसकी जड़ें जहन्नुम में जहनुम के तह में होंगी जब उन्हें उसके बारे में बताया गया तो उसके बारे में भी बहस करने लगे उसके बारे में भी सवाल उठाने लगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आग के अंदर एक दरख्त हो और हम डराते हैं इन्हें बस नहीं ज्यादा करता उन्हें हमारा डराना मगर बहुत बड़ी सरकशी में कुरान में ये जो सब बातें ये निशानियाँ दिखाई जाती हैं ये खबरदार करने के लिए नाजिल की जाती हैं। मगर ऐसे लोगों का क्या हाल है उनकी बदबख्ती है कि वो कुरान की आयात सुनकर उन पर ईमान लाने की बजाय मजीद सरकश होते जा रहे हैं उनकी सरकशी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है आइट नंबर सिक्सटी वन यहाँ से शुरू हो रहा है वाक्य जो हम पहले तीन बार पढ़ कर आए यहाँ पर इसका चौथी मरतबा जिक्र है आदम और इबलीस का फरिश्तों से सजदा करो आदम को, उन्होंने सजदा किया, किया और उसने कहा कि वो सजदा क्यों करे उस मखलूक को जिसको अल्लाह तला ने मिट्टी से पैदा किया उसने अपना तकबुर जुताया और इंसान को हकीर समझा और साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगा उसने कहा कि मैं सजदा करूं उसको जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया मिट्टी से पैदा की गई मखरू को सजदा मैं क्यों करूं उसने कहा क्या तूने देखा ये जिसे तूने इज्जत बख्शी मुझ पर यकीन अगर तू मोहलत दे मुझे क्यामत के दिन तक तो बिलाशुबा जरूर मैं जड़ से उखाड़ दूंगा इसकी औलाद को सिवाय थोड़े से लोगों के शैतान कह रहा है इसने कहा कि जरा देखो तो इसको जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी है कि ये लोग ये जिसे इंसान जिसे तूने मुझ पर फजिलत दी और मुझे हुक्म दिया कि मैं इसे सजदा करूं अगर तू मुझे मोहलत दे दे तो मैं इसी इंसान को जड़ से उखाड़ दूंगा इसी इंसान को मैं बेका कर रहूंगा पूरी इसकी नस्ल को मैं काबू कर लूंगा साथ ही उसने कहा इला कलीला एक्सेप्शन मगर थोड़े से लोग जो जिनको मैं काबू नहीं कर सकूंगा आयत नंबर सिक्सटी थ्री अल्लाह तला ने आगे से कहा जा जो तेरी पैरवी करे जा तुझे मोहलत दी फमा तभी आका मिन हूं बस जिसने पैरवी की तेरी जो तेरी पैरवी करेगा जो तुझे फॉलो करेगा उनमें से किन में से इंसानों में से बस बेशक जहन्नुम तुम्हारी सजा है पूरी पूरी सजा वो सब भी जहन्नुम में जाएंगे जो तुम्हारी पैरवी करेंगे और तुम भी जहन्नुम में जाओगे आयत नंबर 64 और तू फिसला ले बहकाले जिसे तू तो इस्ततात रखता है इनमें से अपनी आवाज से वस्तफज फिसलाना बहकाना लड़खड़ाना जिसके जिसको तू तो इस्ततात रखता है उसको तू तो फिसला ले किस तरह अपनी आवाज से और खींच ला उन पर अपने सवार को और अपने प्यादों को उन पर हर तरह से हमले कर ले और शरीक बन जा उनके मालों में उनके औलाद उनकी औलादों उलाद, में और उनसे झूठे वादे कर जितने तू कर सकता है और उन्हें वादा दे और नहीं वादा देता उन्हें शैतान मगर धोखे का अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तू हर तरह से कोशिश कर ले बंदों पर उन अपनी आवाज से अपने प्यादे उन पर सब ले, ले आ, उनके मालों और औलादों में शरीक बन जा मालों में उनको गलत जगह पर माल खर्च करने की तरकीब दे उनकी औलादों में उनको झूठे वादे दिखा कि ये करोगे ये गलत काम करोगे तो ये फायदे होंगे तो उन्हें हर तरह से बहका ले अल्लाह रहे हैं बेशक मेरे बंदे इन इबादी कितनी अपनाइत का एहसास है मेरे बंदे नहीं है तेरे लिए उन पर कोई गलबा मेरे बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे तो जितना भी अपनी हर तरह से टैक्टिक्स अपने हर हरबा इस्तेमाल कर ले वो नहीं आएंगे तेरे भेकावे में वकाफा अब रबी का वकील है और तेरा रब कारसाज है जो बंदा शैतान से बचना चाहेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा अल्लाह ताला उसका कारसाज होगा उसका मददगार होगा उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होगी आयत नंबर सिक्सटी सिक्स तुम्हारा रब वही है जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्तियां समंदर में ताकि तुम तलाश करो उसके फजल से बेशक वो है तुम पर बहुत मेहरबान अल्लाह ताला ही तुम्हारे लिए कश्तियां समुंदर में चलाता है और वो तुम पर बहुत रहम करने वाला है आयत नंबर 67 और जब पहुंचे तुम्हें तकलीफ कोई इस समंदर में यहाँ पर अब जिक्र किया जा रहा है अः कुफार का मुश्रकों का जिनको जब कोई तकलीफ पहुंचती है जब कश्ती किसी तूफान में घिर जाती है और उनको मौत अपने सामने नजर आने लगती है तो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ही हमें बचाने वाला है गुम हो जाते हैं उनसे उनके तमाम शरीक जिनको अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं उनको माबूद गुमान करते हैं वो सब उनसे उनका ख्याल उनको नहीं आता सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल आता है और कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही हमें बचा सकता है फिर जब वो निजात दे तुम्हें खुशकी की तरफ जब उनसे तूफान मुसीबत टल जाती है और वो खुशकी की तरफ पहुंच जाते हैं तो फिर आ तुम इरास कर लेते हैं मुंह फेर लेते हैं अल्लाह ताला को भूल जाते हैं वकान इंसानु कफूरा और इंसान बहुत नाशुकर है इंसान की एक नेचर उसकी एक फितरत बताई गई कि इंसान बहुत ही नाशुकरा है अपने मतलब के लिए पुकारता है उस वक्त शुक्र अदा करता है और फिर भूल जाता है आयत नंबर सिक्सटी एट क्या फिर तुम बेखौफ हो गए हो इससे कि वो धंसा दे तुमको खुशकी की एक जानी जब तुम समंदर की मुसीबतों से बचकर खुशकी की तरफ पहुंच जाते हो तो तुम्हें तुम बेखौफ हो गए हो क्या ताला तुम्हें खुशकी पर नहीं मार सकता तुम्हें वो खुशकी पर आकर तुम उसके अजाब से बच सकते हो अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें वो खुशकी के अंदर ही धंसा दे या वो भेज दे तुम पर पथराव करने वाली आंधी फिर ना तुम पाओ अपने लिए कोई भी कारसाज कोई मददगार तुम अपने लिए फिर ना पाओ आयत नंबर या तुम बेखौफ हो गए हो इस बात से कि वो लौटा दे तुम्हें उस समंदर में दूसरी बार जिस समंदर से तुम बचकर हो मुसीबत से निकल कर आए हो तो तुम्हें लगता है कि क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा उधर ही पहुंचा दे दूसरी बार तुम्हें उसी मुसीबत में ले आए समंदर में फिर वो भेज दे तुम पर तोड़ देने वाली हवा आंधी बस वो गर्व कर दे तुम्हें इस वजह से जो तुमने कुफर किया फिर तुम ना पाओ अपने लिए हमारे खिलाफ उसके बदले कोई पीछा करने वाला अगर अल्लाह ताला तुम्हें गर्व कर दे तो तुम तो तुम फिर किसी को अपने आ, कोई ताक़ुब करने वाला आ, इसके खिलाफ हम पर ना हो क्या मतलब है कि कोई फिर ऐसा ना हो जो हमसे पूछ सके बाजूस कर सके कि हमने इन लोगों के साथ ऐसा मामला क्यों किया नंबर बनी आदमी और बिलाशन दी बनी उन्हें खुशकी में औरलूकत पर फजीलत देकर अशरफुल बनाकर और हमने सवार किया उन्हें खुशकी में, में।, में और समंदर में और हमने रिस्क दिया उन्हें पाकिजा चीजों से अल्लाह तहाँ पर अपनी नियमतों का जिक्र कर रहे हैं जो बनी आदम को अता की गई और हमने फजीलत दी उन्हें बहुत सी मखलूक पर किन्हीं इंसानों को बनी आदम को तमाम मखलूक पर जो हमने पैदा की बहुत ज्यादा फजीलत देना तमाम मखलूक का बादशाह इंसान की तख्लीक को करार दिया आयत नंबर सेवेंटी वन इमामी हिम जिस दिन हम बुलाएंगे तमाम इंसानों को उनके सरदारों के साथ उनके इमाम के साथ उनके रहनुमा, उनके लीडर के साथ अपना जो दिया फिर जो दिया गया अपना नामा अपने दाएं हाथ में उनको फिर उनके अमाल नामे दिए जाएंगे और जिसका अमाल नामा उसके दाहने हाथ में दिया गया तो ऐसे लोग क्या करेंगे तो वो लोग पढ़ेंगे अपना अमाल नामा और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे इतना भी जुलम नहीं किए जाएंगे फतीला खजूर की गुठली के धागे के बराबर शिकाफ खजूर की होटली के शिगा के बराबर भी उन पर जुल नहीं किया जाएगा जब अल्लाह ताला ने इंसान को अः अशरफुलमखलूक करार दिया उसको इतनी इतना बुलंद मुकाम और मरतबा अता किया तो फिर उसका मुहासबा भी होना चाहिए इसलिए क्यामत के दिन उसका हिसाब लिया जाएगा और जिसका आमालनामा उसके दाहने हाथ में दिया गया वो कामयाब होने वाले में से होगा अमां का जो इस दुनिया में जो कोई अंधा रहा तो वो आखरत में भी अंधा उठाया जाएगा और वो होगा बहुत ज्यादा भटका हुआ रास्ते दुनिया में अंधा होने से मुराद है जिसने हक को नहीं देखा हक को नहीं सुना हक को कबूल नहीं किया हदायत नहीं हदायत के रस्ते पर नहीं चला जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखरत में भी उसी गुमराहि में रहेगा वो ऐसा शख्स ऐसे शख्स को आमद के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा कि वो अंधा होगा वो कुछ देख नहीं सकेगा वो उस दिन भी कुछ समझ नहीं सकेगा आयत नंबर थ्री और बिलाशुबा करीब था कि जरूर ये बहका देते आपको और इस इससे जो हमने वही की आपकी तरफ यानी ये कुफार ये अः कुरैश मक्का जो नबी वसल्लम पर मक्का में दबाव डालते थे बहुत करीब था कि वो आपको बहका देते वो आपको उससे हटा देते जो हमने आपकी तरफ वही की थी वो क्या दबाव डालते थे एक वो ये दबाव डालते थे कि ये जो कुरान के अहकाम हैं इनमें कुछ नरमी लाओ हमारे फायदे की बातें भी इनमें ऐड करो ताकि हम फिर इस पर अमल कर सकें और दूसरी बात वो ये कहते थे कि हम पर कोई मुआजा लाओ हमें कोई अः हिस्सी मुआजा दिखाओ ताकि हम ईमान लाए ताकि आप झूठ घड़ लें हम पर उसके सिवा और इस वक्त जरूर वो बना लेते आपको दोस्त यानी अगर वो अगर आप उनकी बातों में आ जाते अगर आप उनके बहकावों में आ जाते तो वो आपको अपना दोस्त बना लेते और वो यही चाहते थे कि वो आ, हम पर अल्लाह ताला पर माजल्ला कोई झूठ घड़े आर्ट नंबर सेवेंटी फोर और अगर ये ना होता कि हमने साबित कदम रखा आपको तो बिलाशुबा यकीनन करीब था कि आप माइल हो जाते उनकी तरफ कुछ थोड़ा सा यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने जो आपके पांव जमा कर आपके दिल को अच्छी तरह से मजबूत किया तो ये इसी वजह से था कि आप उनकी तरफ नहीं मायल हुए वरना कुछ करीब था कि आप किसी ना किसी हद तक उनकी तरफ माइल हो जाते क्योंकि उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश मक्का की तरफ से बहुत शदीद किस्म का दबाव था आयत नंबर सेवेंटी फाइव उस वक्त जरूर हम चखाते आपको दुगना अजाब जिंदगी का कब अगर आप उनके बहकावे में आ जाते और दुगना अजाब मौत का फिर ना पाते आप अपने लिए हम पर यानी हमारे खिलाफ कोई भी मददगार और बिलाशुबा करीब था कि वो जरूर फिसला दें आपको मक्का की जमीन से यानी वो आपको निकाल दें मक्का की जमीन से आ, आपको उससे और उस वक्त नहीं वो ठहरेंगे आपके बाद मगर बहुत कम यानी ये जो कुरायश नबी वसल्लम को मक्का से निकालने की मंसूबा बंदी कर रहे थे माजल्ला तो उसकी यहाँ पर नफी करने की बजाय ये पेशन गोई की गई है कि अगर ऐसा हो गया अगर उन्होंने इसमें वो कामयाब हो गए तो वो फिर खुद भी कुछ ज्यादा अरसा नहीं रह सकेंगे वो मक्का में फिर ज्यादा देर वहां पर नहीं रह सकेंगे उनको वहां से भी खत्म कर दिया जाएगा क्यों क्योंकि यही तरीका रहा है इसी तरीके की माने जिन्हें यकन हमने भेजा था आपसे पहले जो पहले अम्बियात है जो पहले रसूलों उनके साथ भी यही हुआ कि जब रसूल किसी बस्ती से निकल गया जब वो वहां से अः रवाना हो गए तो फिर उस मुतल कौम से अल्लाह तला की अमान उठा ली जाती है और उसके बाद वो कौम बहुत जल्द आजाद की गिरफ्त में आ जाती है यही हाल हुआ अहले मक्का का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद वो लोग बहुत कम अरसा ही मक्का में रह सके उनके कुछ सरदार तो आ, दूसरे वर्ष ही जंग के बरस ही जंग के में कत्ल हो गए और बाकी उसके कुछ अरसे आठ साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मक्का पर मुकम्मल नबी सल्लम ही मुकम्मल गालिब आ गए आयत नंबर 78 اقلیم السرات لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر اور نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے और फजर के कुरान का अहतमाम कीजिए इस आयत में जिक्र किया जा रहा है हुक्म दिया जा रहा है पांच वक्त की नमाजों का और साथ ही जिक्र किया गया कुरान आ, का एहतमाम करना फजर के वक्त इसकी दो वजूहतें हैं सबसे पहले एक ये कि फजर के वक्त इंसान ताज़ा दम होता है और नमाज में उसकी दिल की कैफियत बहुत ज्यादा बेहतर होती है और इसलिए कि वहां पर वो कुरान का एहतमाम करे कि वो बहुत ध्यान से दिल से कुरान की तलावत कर सकता है दूसरा ये कि फजर के वक्त फरिश्तों की हाजिरी के अतबार से भी वो वक्त अहम है कि फरिश्तों की ड्यूटियां सुबह और असर के वक्त आ, तब्दील होती हैं चुनाचे इन दोनों नमाजों में दोनों जमातों के फरिश्ते मौजूद होते हैं लिहाजा फरिश्तों की इस हाजिरी की वजह से भी नमाज फजर खूसी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त कुरान बिशफ फजर का कुरान पढ़ना फरिश्ते फरिश्तों के हाजिर होने का बाइस है वो इसी वजह से कहा गया आयत आयतम और रात से कुछ हिस्सा बस आप तहज पढ़ें उस कुरान से ये जायद है आपके लिए करीब है कि खड़ा करे आपको आप कर मुकाम महमूद में यहाँ पर जिक्र हुक्म दिया जा रहा है तहजुद का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहजुद का हुक्म दिया गया कि रात के एक हिस्से में आप कुरान वो रात का एक हिस्सा आप कुरान के साथ जागिए तहजुद की नमाज में आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको मुकाम महमूद अता करेंगे मुकाम महमूद से क्या मुराद है वो बुलंद मुकाम वो आला मुकाम जो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर में और जन्नत में अता करेंगे और इस मकाम की अजमत और इसकी कैफियत का अंदाज़ा हम अपने तस्वर से नहीं लगा सकते आयत नंबर एटी और आप कह दीजिए के अल्लाह ए मेरे रब दाखिल कर मुझे मदीना में दाखिल करना सच्चाई बेहतरी के साथ ये हिजरत की दुआ है जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया तो साथ ही यह दुआ भी नाजिल की कि आप ये दुआ पढ़ें कि तो मुझे मदीने में दाखिल कर सच्चाई के साथ बेहतरी के साथ और इज्जत तक के साथ वहां पर मेरा दाखिला सच्चा दाखिला हो और यहाँ मक्का से मुझे निकालना है तो बाज्जत तरीके से निकाल और और कर दे मेरे लिए अपनी तरफ से गलबा मदद देने वाला यानी अल्लाह ताला से मदद मांगने की नबी बातिल, बातिल वाला जब अः मदीना नबी पहुंच गए तो उसके आठ साल बाद फतेह मक्का का वाक हुआ लेकिन चूंकि वो अः लिखा जा चुका था वो अटल था वो होकर रहना था तो इसलिए अभी से ही उनको उन अल्फाज को अदा कर दिया गया कि हक बेशक हक जीतने वाला है आने वाला है गालिब आने वाला है और बातिल बातिल रह जाने वाला है। बातिल को सबात नहीं। जब भी इसका हक के साथ मुकाबला होगा तो हक के मुकाबले में बातिल हमेशा पिसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगा आयत नव एटी टू और हम नाजिल करते हैं कुरान में से वो कुछ जो के है शिफा और रहमत ईमान वालों के लिए और नहीं वो ज्यादा करता जालिमों को मगर खसारे में जालिमों को खसारे में ही बढ़ा दिया जाता है और जब हम इनाम करें इंसान पर तो वो मुंह मोड़ लेता है और वो दूर कर लेता है अपने पहलू को और जब पहुंचे उसे तकलीफ तो वो हो जाता है बहुत नाउमीद इंसान की एक फितरत का जिक्र किया जा रहा है कि जब उसे नियमतों से हम नवाजें तो वो भूल जाता है अल्लाह तला को और जब उससे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो बहुत नाउमीद हो जाता है वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता वो मायूस हो जाता है आयत नंबर एटी फोर कह दीजिए हर एक अमल करता है अपने तरीके पर बस तुम्हारा रब ज्यादा जानने वाला है उसको जो वो सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है शाकिला है। शाकिला कहा जाता है हर इंसान की शख्सियत का एक मखसूस सांचा शख्सियत के साचे से क्या मुराद है कि इंसान जो भी अमल करेगा चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो वो अपने उस शाखिले के अंदर रहकर ही करेगा किसी शख्स ने कि और बुराई के लिए जो भी मेहनत और कोशिश करनी है वो अपने उस शख्सियत के किरदार उस शाखिले के अंदर रहकर करेगा गोया इंसान का शाखिला उसके दायरे अमल की हदूद का तयन करता है कि वो किस हद तक अमल कर सकता है वो ना तो उनद से तजावज कर सकता है और ना ही उनसे बढ़कर अमल करने का वो आ, सोच सकता है लिहाजा अल्लाह सब जानने वाला है उसको जो सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है आयी फाइव उन सब में से कौन सबसे ज्यादा हदायत याफ्ता है और वो पूछते हैं आपसे रूह के बारे में कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है यहाँ पर ये जो सवाल है ये उन तीन सवालों में से एक था जो कुरैश मक्का ने अः मदीना के यहूदियों ने कुरैश मक्का के थ्रू नबी अलैहि वसल्लम से पूछवाए थे उनमें से एक जो था वो सहाबिकाब से रिलेटेड था जो कि बहुत डिटेल से अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया दूसरा नैन के बारे में था और तीसरा रूह के बारे में था जिसका यहाँ मुख्तसर जवाब दिया जा रहा है कि जो रूह है उसका ताल्लुक आलम अमर से है और चूंकि आलम अमर आलम गैब है तो इसलिए उसका इल्म ज्यादा हमें नहीं दिया गया यकी और यकन अगर हम चाहें तो जरूर बस जरूर हम ले जाएं इस कुरान को जिससे हमने वही किया आपकी तरफ फिर नहीं पाएंगे आप अपने लिए इस कुरान को ले जाने पर हमारे खिलाफ कोई हिमायती मगर आपके रब की रहमत से बेशक उसका फजल है आप पर पर बहुत बड़ा कुरान के बारे में जो दल, दलीलें दी जा रही हैं उनको हम आ, आगे इस आयत के बाद देखते हैं समराइज करते हैं कह दीजिए यकीन अगर जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन इस बात पर कि वो बना लें इस कुरान की मिसल तो नहीं वो ला सकेंगे इसकी मिसल और अगरचे हो उनका बाज बाज के लिए मददगार अगर तमाम इनसे दूसरे के मददगार बन जाए तब भी वो कुरान जैसी एक आयत एक हर्फ भी बनाकर नहीं ला सकते यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने कुरान का खास स्रूप है इसके मुताबिक बज़ाहिर किताब तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है जैसे यहाँ पर किया गया कुल कह दीजिए और आप अगर नहीं आप नहीं पाएंगे अपने लिए इस पर कोई हमारे खिलाफ कोई हमारती किताब तो नबी से है मगर असल में लोगों को यह बावर कराना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकाम और मर्तबा क्या है वो कहते थे कि आ, ये कोई इंसान नहीं हो सकता तो यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी उनको बताया गया कि मैं तुम्हारे लिए एक इंसान ही हूँ और अब इस आयत का मकसद ये है कि चूंकि ये किताब ये कुरान हमारी तरफ से नाजिल करता है तो अगर हम चाहें हम इसे वापस भी ले जा सकते हैं अगर ये नबी वसल्लम का खुद साहता होता तो फिर हम इससे अपने पास रखने पर कादिर ना होते लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो जरूर इसको ले जाए और फिर नबी अलैहि वसल्लम उस पर कोई आ, वो मददगार ना हो और ना उन पर वो पाए हम पर कोई मददगार आटी सेवन मगर आपके रब की रहमत से सिर्फ अल्लाह रहमत से ही ये पॉसिबल है कि अल्लाह ताला की रहमत का यह मजहर है कि वही आपके सीने में जमा करके महफूज फरमा रहा है इस कुरान को आयत नंबर 89 और बिलाशुबा यकीन हमने फेर फेर कर बयान किया लोगों के लिए इस कुरान में हर एक मिसाल तो इनकार किया अक्सर लोगों ने हर चीज का कुफर के सिवा और हमने फेर फिर फेर कर बयान किया लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें लेकिन अक्सर लोग इनकार और नेमत ही पर अड़े हुए हैं हर तरह की नेमत का वो इनकार कर रहे हैं ना शुक्री कर रहे हैं आयत नंबर नाइनटीन और उन्होंने कहा हर किस नहीं हम ईमान लाएंगे हर किस नहीं आपकी बात मानेंगे यहाँ तक कि आप जारी करते हमारे लिए जमीन से एक चश्मा यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है मुश्किन मक्का के मुतालबात की जो बार बार मुतालबात करते थे और कहते थे कि जब तक आप हम पर कोई मुआजा नहीं लाएंगे हम आपको रसूल नहीं मानेंगे सबसे पहले कहते थे कि हम पर कोई चश्मा ले हमारे लिए आप जारी कर दें हमारे लिए जमीन से एक चश्मा ठीक है जन्नातुन आप, या आपके लिए बन जाए खुजूरों और अभूरों का एक बाग को एक बाग बन जाए आपके लिए और आप उसमें से हमें एक नहर जारी कर दें उसके बाद कहते थे कि अगर ये नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें हम पर आसमान से एक टुकड़ा गिरा दें ये जो आप हमेशा हमें क्यामत के हवाले से खबरें सुनाते हैं और कहते हैं कि आसमान फट जाएगा जब क्यामत आएगी तो ऐसा करें अभी आसमान का कोई टुकड़ा हमें गिरा कर दिखाएं ऐसे मुतालबात वो नबी अलैहि वसल्लम से करते थे या तू ले आए अल्लाह को और फरिश्तों को सामने या हमारे सामने अल्लाह को या फरिश्तों को ले आओ तब हम तुम्हें मान लेंगे या आपके लिए सोने का एक महल तामीर हो जाए एक घर सोने का तामीर हो जाए या आप आसमान पर चढ़ जाए और हम आपके आसमान में चढ़ने को भी नहीं माने मानेंगे यहां तक कि आप उतार लें एक किताब जिसे हम खुद पढ़ें आप कह दीजिए कि मेरा पाक है मैं नहीं हूं मगर एक बशर रसूल मतलब उनके मुतालबात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि वो इस हद तक कह रहे हैं कि हरगिज नहीं मानेंगे तेरे चढ़ जाने को यहाँ तक तो उतार लाए हम पर कोई किताब कि हम उसे पढ़ें हमारे लिए खुद ऊपर से जाकर किताब लेकर आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए पाक है मेरा रब हल्कों तू इल्ला बशर और रसूला नहीं हूं मैं मगर एक इंसान ही रसूल बशर और रसूला इंसान और रसूल आयत नंबर नाइन फोर अन्नास और नहीं रोका लोगों को ईमान लाने से जबकि उनके पास हदायत आ गई मगर इस बात ने कि उन्होंने कहा क्या अल्लाह ने भेजा है एक बशर को रसूल बनाकर उनका मानना यह था कि वो कुरान को मान लेते अगर उनके पास ये भेजा जाता फरिश्ते फरिश्ता जो होता वो उनका रसूल होता उनका कहना था कि इस काम के लिए उनकी तरफ कोई फरिश्ता भेजा जाता उनको समझाने के लिए तबलीग के लिए फरिश्ता होता तो वो उसकी बात मान जाते वो कह रहे हैं कि वो एक इंसान को क्यों कर अल्लाह ताला का रसूल मान ले? इसके इस एतराज के जवाब में दलील दी जा रही है कि अगर कह दीजिए कह दीजिए अगर रहते होते जमीन में फरिश्ते तो जो चलते फिरते मुतमिन होकर तो जरूर हम उतारते उन पर आसमान से कोई फरिश्ता रसूल बनाकर अगर जमीन पर इंसानों की जगह फरिश्ते रहते होते चलते फिरते होते तो जाहिर सी बात है, उनकी तबलीग के लिए फरिश्ते ही नाजिल की जाते किए जाते लेकिन यहाँ पर रसूल का काम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है इंसानों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल पेश करना है तो वो एक इंसान की एक बशर की जिंदगी से ही पेश किया जा सकता है कुल कफा बिल्ला शहीदा आप कह दीजिए कि अल्लाह काफी है गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान वो अपने बंदों से बाखबर है है और और उन पर नजर रखने वाला है। वा मैं यह और जिसे अल्लाह ताला हदायत दे दे तो वो हदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह कर दे तो हरगिज नहीं आप पाएंगे उनके लिए कोई मदद करने वाला जिससे अल्लाह हदायत देने से इनकार कर दे वो फिर कुछ नहीं कर सकता उसके सिवा और हम इकट्ठा करेंगे उन्हें क्यामत के दिन उनके चेहरों के बल अंधे और गूंगे और बहरे करके उनका ठिकाना जहन्नुम है जब भी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उनसे उनके लिए मजीद भड़का दिया करेंगे इंसानों के जरिए जहन्नुम की आग को मजीद भड़का दिया जाएगा سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك 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 ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته